जी न्यूज इंडिया हकीकत आप तक में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आइए देखते हैं दिन भर के मुख्य समाचार। क्या निर्देश? जो हमारे मुख्यमंत्री जी की भावना है कि राजस्थान का आम जन आम नागरिक सुरक्षित रहे, उसी भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए हम बराबर पूरा प्रशासन यहाँ प्रयासरत है और आज भी जो बैठक थी उनको ये निर्देश दिए हैं कि हमारे जो सीमावर्ती जिले हैं मध्य प्रदेश के गुना श्योपुर शिवपुरी यहाँ पर पॉजिटिव केस मिले हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारे बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो जो बॉर्डर पे जितने भी रास्ते हैं और अंदर के भी जो रास्ते हैं उनको बिल्कुल सीज कर दिया जाए ताकि हम सुरक्षित रहें। और इसमें सबसे जो पहली आवश्यकता है कि अपने आप को स्वयं को सेल्फ सुरक्षित रखना, यही सबसे बड़ी वो है। उसी भावनाओं को मद्देनज़र रखते हुए आज ये बैठक ली गई थी और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि हमारी जो राशन प्रणाली है वो डिलीवर प्रयास रहे, क्योंकि राशन की दुकान पे भी भीड़ लगने लग गई थी तो उनको उनके डोर टू डोर उनको डिलीवरी के लिए निर्देश दिए हैं। वो प्रक्रिया चालू भी करा दी गई है। अभी कसवा थाना का हमने लाइव भी देखा था, ट्रैक्टर ट्रॉली में रखकर डीलर एक एक दुकान पर जाकर एक एक घर पर जाकर उनको सामग्री वितरित कर रहा है। तो हमारा प्रयास यही है कि आम जन को कोई जन भूखा नहीं रहे, उसको कोई असुविधा नहीं हो और जो लॉकडाउन है उसकी भी हम पूरी पूरी पालना करें ताकि हम सब सुरक्षित रहें। क्योंकि जो हालात हैं ये बहुत ही बड़ा संक्रमण है, पूरा विश्व पूरे देश इससे प्रभावित है और इसका जो बचाव सबसे यही है कि हम एक दूसरे से डिस्टेंस बनाकर। सर 12 जिले 12 शहर में दिहाड़ी मजदूरों के लिए फूड की किस तरह की व्यवस्था? 12 जिले में प्रशासन के माध्यम से राज पैलेस में कंट्रोल रूम बना रखा है, वहाँ पर हलवाई लगा रखा है, बाकायदा पैकेट तैयार होते हैं। जिनको खाने की आवश्यकता है उनको खाने के पैकेट पहुँचाए जा रहे हैं। जिनको सामग्री की आवश्यकता है प्रशासन ने उसको निर्देश दिए गए थे पहले और उसके अनुरूप उन्होंने उसकी पालना भी की है कि शहरी क्षेत्र में